बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड कैसे लें। दोस्तों आपको अपना सॉन्ग अगर बिलीव म्यूजिक से रिलीज करवाना है तो आपको उसके डैशबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मान लीजिए कोई भी अपना सॉन्ग रिलीज करते हैं तो आपको जो है वो वहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ता है। उसके बाद में आपको वहाँ पर उस साइट का डैशबोर्ड दे दिया जाता है जहाँ से आप अपनी रिलीज जो है वो वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका सॉन्ग सभी प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। लेकिन अगर आपको बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड चाहिए तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग में चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका सिंपल सा प्रोसेस नहीं है कि आपने कोई इसका प्लान परचेज किया और आपको इसका डैशबोर्ड जो है वो इनेबल हो जाता है। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसके दो तीन तरीके मैं आपको आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हे गाइस, दिस इज सक्षम त्यागी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आपको मैं जो आज इसमें बिलीव म्यूजिक के डैशबोर्ड को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं उसके दो तीन तरीके बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप एक नए आर्टिस्ट हैं और नए आर्टिस्ट होने के साथ साथ आपको बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड क्यों लेना ज़रूरी है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, इसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक पॉइंट को समझाया। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आपसे मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस पर मैंने बिल्कुल सारे फीचर्स बताए कि इसका बिलीव म्यूजिक से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या आपको इसमें जो है वो फीचर्स मिलेंगे जो अदर डिस्ट्रीब्यूटर में आपको नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पर अपना बिलीव म्यूजिक डैशबोर्ड अगर इनेबल करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप एक न्यू आर्टिस्ट हो, ठीक है, तो आपके बिल्कुल बिलीव म्यूजिक अगर आप डैशबोर्ड चाहते हो तो आपके बिल्कुल 99% चांस है कि आपको डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। डिमोटिवेट मत होना, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कि बिलीव म्यूजिक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और इसका एक क्राइटेरिया है जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और वो क्राइटेरिया मैं आपको बिल्कुल अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा जब मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको मोटा मोटा क्राइटेरिया यहाँ पर बता देता हूँ। उसके लिए बिलीव म्यूजिक यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप बिलीव म्यूजिक के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट अपना सॉन्ग जो है वो करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास जो है वो एक फेस वैल्यू आपकी पहले से, चाहे वो फेस वैल्यू थोड़ी बहुत ही हो, लेकिन पहले से आपकी फेस वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी एक फेस वैल्यू बन जानी चाहिए। यहाँ पर आपको दो तीन सॉन्ग जो है वो पहले से अपलोड होने चाहिए और आपकी एक लिसनर जो है मंथली के लिसनर जो है वो पब्लिक आपको क्रिएट करनी होगी। जब आपके पास ये थोड़ा सा फेम हो जाएगा, जब आपके साथ में बिलीव म्यूजिक काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको प्रूफ के साथ अभी मोबाइल पर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो इसके तरीके हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आपको अपने गूगल पर जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन ओपन कर ली है, इसके बाद में आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है बिलीव म्यूजिक इंडिया। बिलीव म्यूजिक इंडिया आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पहली जो वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट अस, इस पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा होगा आर्टिस्ट एंड लेबल्स, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पर इनका जो है मेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेल पर अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर इनको सबमिट कर देनी होगी। वो डिटेल्स आपकी बिल्कुल वो होनी चाहिए जो आपकी रियल हो, आपकी जेन्युइन डिटेल्स हों, जैसे कि आपके कितने मंथली लिसनर्स हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, जिस जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने काम किया है उसका आपको यहाँ पर नाम बताना है, और आपके कितने सॉन्ग जो है वो यहाँ पर अभी तक रिलीज आप कर चुके हैं, और आपकी क्या फेस वैल्यू, जितनी भी फेस वैल्यू आपकी क्रिएट हो चुकी है, उसके साथ साथ आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप बिलीव म्यूजिक के साथ जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इनके साथ में जो है वो मेल कर देनी है। उसके बाद में इधर से आपकी अगर कोई फेस वैल्यू होगी और आपके साथ बिलीव म्यूजिक काम करना चाहती है तो आपके पास उधर से मेल आ जाएगा कि आपके साथ भी काम करने के लिए रेडी हैं या उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये था। देखो बिलीव म्यूजिक कि मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ इन स्टेप्स को फॉलो कर ही आपको जो है वो बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड मिल सकता है। कोई आपसे अगर ये कहे कि भाई मैं आपको बिलीव म्यूजिक बैक स्टेज का जो है वो डैशबोर्ड दिलवा देता हूँ, तो वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिलीव म्यूजिक एक बिल्कुल रेप्यूटेडली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि बहुत ही बढ़िया अपने रेटिंग्स पर है, तो ऐसे आपको कोई भी इसका डैशबोर्ड जो है वो नहीं दिलवा सकता है। और कोई अगर कह भी रहा है तो भाई उसके पास वो या तो पहले से डैशबोर्ड है तो वो उसी डैशबोर्ड से जो है वो अपने किसी भी सॉन्ग को रिलीज कर सकता है, अदरवाइज आपको वो खुद से एक नया डैशबोर्ड आपके लिए लॉगिन नहीं करवा सकता। बिलीव म्यूजिक जब भी आपका डैशबोर्ड इनेबल करेगी, जब आपकी कोई फेस वैल्यू होगी या फिर बिलीव म्यूजिक खुद से आपके साथ जो है वो वर्क करना चाहती होगी। तो इसका दूसरा तरीका ही मैं आपको बता देता हूँ। फिर से आपको अपने गूगल पर जाना है, आपको गूगल पर सर्च करना है बिलीव म्यूजिक कॉन्टैक्ट। बिलीव म्यूजिक कॉन्टैक्ट सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको आर्टिस्ट एंड लेबल्स फिर से एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ज्वाइन इसका ऑप्शन साफ साफ देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक जब कर देंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको इस फॉर्म में ये भी दिखाऊंगा कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो मैंने यहाँ पर आपको पहले बोला था कि क्या आपको क्राइटेरिया इसके लिए कंप्लीट करना पड़ता है, वो साफ साफ आपको इस फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स अपनी फिल कर देनी है, चाहे वो नेम हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे ईमेल हो, और यहाँ पर आपको जो अब मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ ये इसका मेनली क्राइटेरिया है जो कि आपको फिल करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट सॉन्ग आपने कब रिलीज किया था, जो आप डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, जो आपका लास्ट सॉन्ग था उसका नाम क्या है, आपकी कितने मंथली यहाँ पर लिसनर्स हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, और आपकी इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी जो भी आपसे यहाँ पर इस फॉर्म में मांगे। तो अगर आप ये फॉर्म में ये सारी डिटेल्स फिल नहीं करते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट सॉन्ग क्या था, आपके कितने मंथली लिसनर्स हैं, तो बिल्कुल आपका ये 99% चांस है कि आपको डैशबोर्ड नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी फेस वैल्यू होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्ली म्यूजिक के डैशबोर्ड के लिए। तो जब आप इसको सबमिट कर देंगे, जब आपकी मान लीजिए कोई फेस वैल्यू भी आपकी बन चुकी है और आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद में जब आप ये फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद में यहाँ पर एक सेंड का बटन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बिल्कुल जैसे कि आपका मेल में रिप्लाई आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास में इसका भी रिप्लाई आपके पास मेल में ही आएगा। तो ये दो स्टेप है जिससे कि आप इसका ले सकते हैं। और तीसरा स्टेप ये है कि आपको फिर से अपना गूगल ओपन करना है। ये आखिरी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान स्टेप है। इसके साथ साथ आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है ब्लीव म्यूजिक ऑफिस नियर मी, या फिर ब्लीव म्यूजिक नियर मी भी आप लिख सकते हैं। जो भी ऑफिस आपके इसमें ब्लीव म्यूजिक का जो भी आपके घर के पास पड़ रहा है, सबसे बिल्कुल ईजी वे है कि आप उनके ऑफिस में जाएं डायरेक्ट, अगर आपकी कोई फेस वैल्यू है तो, और डायरेक्ट आप उनसे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आप ब्लीव म्यूजिक के साथ वर्क करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप उनको बता सकते हैं। जितने सॉन्ग्स आपके रिलीज हो चुके हैं, किस डिस्ट्रीब्यूटर का आपने यूज़ किया है, ये सारी डिटेल्स जब आपको उनको दे देंगे, अगर वे आपके साथ रेडी हैं तो आपको बिना किसी फॉर्म सबमिट करने के बजाय आपको वे डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और आपके साथ भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके से जो मैंने आपको बताई है। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिससे कि आप ब्लीव म्यूजिक का एक्सेस ले सकें डैशबोर्ड का, या फिर आपके साथ ये हो सकता है कि कोई अगर ब्लीव म्यूजिक के ऑलरेडी डैशबोर्ड जिसके पास है तो वो एक उनको मेल कर सकता है ब्लीव म्यूजिक के पास, सिर्फ वो मेल कर सकता है, आपको 100% दिलवा नहीं सकता, ठीक है। या फिर जो इनके जो ब्लीव म्यूजिक के अंदर जो ऑफिसर्स काम करते हैं, अगर आपकी उनसे जो है वो पहचान है, रिलेशन है कुछ, तो आपकी वे हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी जो ब्लीव म्यूजिक इंडिया की वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ पर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कौन यहाँ पर मैनेजर है, कौन डायरेक्टर है, तो अगर आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो आपका ये काम भी जो है वो बिल्कुल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है और चैनल पर बहुत दिनों बाद यार वापसी हुई है, तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, चैनल की रीच आपके भरोसे है तो आपको भी ग्रो करानी है और इसी तरीके से जो है वो आपको वीडियो मिलती रहा करेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है या नहीं। तो अगली वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाली है और इस तरीके से एक पूरी सीरीज आने वाली है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आने वाली है। जो जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप जरूर से कमेंट कर दिया करो, क्योंकि यार जिस टॉपिक पर आप बोलोगे उसी टॉपिक पर वीडियो आया करेगी और आपकी बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन जानकारी के साथ आया करेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। फिलहाल के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।